डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स मेजर्स। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी स्टेटमेंट से जो सबको आपको दिख रही है यहाँ पे कि 20 इज स्मॉलर देन 10। अब यहाँ पे अगर मैं ये लाइन बोल रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे सर कि 20 इज स्मॉलर देन 10? फॉल्स। मतलब आपने एक वैल्यू जो है वो असाइन कर दी इसको, फॉल्स। ठीक है, अगर मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से 6 इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो आप यहां पे जैसे ही इस लाइन को पढ़ोगे 6 इज एन इवन नंबर, यस 6 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है, तो आपने इसको एक वैल्यू जो है वो ट्रुथ वैल्यू या फिर फॉल्स वैल्यू, ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू एक जो है वो असाइन कर दी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या प्रोपोजिशनल लॉजिक का, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसके अंदर जितने भी कनेक्टर्स हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे से बता चुका हूं। लेकिन अगर मैं इन्हीं स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे 20 इज स्मॉलर देन 10, अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं x इज स्मॉलर देन 10, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे भी, यस yes, लिख सकते हैं। 6 इज एन इवन नंबर, अगर मैं ये लिख दूं यहां पे x इज एन इवन नंबर, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। तो यहां पे अब आप इसको क्या वैल्यू असाइन करोगे, ट्रू करोगे या फॉल्स करोगे? तो यहां पे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर x की वैल्यू बताओ पहले। अगर मैं x की वैल्यू लेट से 5 ले लेता हूं, 5 इज स्मॉलर देन 10, तो आप बोलोगे सर ट्रू है। अगर मैं x की वैल्यू 15 ले लेता हूं तो आप बोलोगे कि सर ये तो फॉल्स होगी। तो यानी कहीं ना कहीं x की वैल्यू के ऊपर ये चीज डिपेंड कर रहा है। ऐसी सेम आप इसके अंदर भी कर सकते हो। तो यानी ये एक्चुअल में क्या है, x जो है वो क्या हम इसके अंदर कोई फिक्स वैल्यू डाल सकते हैं? नहीं, हम इसके अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट अ वेरिएबल। तो मैं यहां पे अपनी स्टेटमेंट के अंदर क्या यूज कर रहा हूं, एक वेरिएबल यूज कर रहा हूं। तो वेरिएबल की जो वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। लेकिन अभी मैंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिख दी x इज स्मॉलर देन 10, तो ना तो इसको ट्रू दिया जा सकता ना फॉल्स दिया जा सकता। तो जब भी इस तरीके की स्टेटमेंट आती है जहां पे मेरे पास एक वेरिएबल जो है वो दिया होता है, तो वहां पे प्रोपोजिशनल लॉजिक को यूज नहीं करते, वहां पे यूज करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक को। और एग्जांपल ले लो, लेट्स से अगर मैं बोल दूं यहां पे x इज ग्रेटर देन y, तो यहां पे एक और चीज हो गई, क्या हो गई, x इज ग्रेटर देन y, मतलब यहां पे x और y दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में एक रिलेशन भी मैं एक रिलेशनशिप को भी क्या कर रहा हूं, शो कर रहा हूं। या फिर मैंने लिख दिया x इज फादर ऑफ y। तो इस तरीके की जब भी स्टेटमेंट्स आती हैं जहां पे वेरिएबल्स रिलेशनशिप इस तरीके से यूज किए जाते हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। और प्रेडिकेट लॉजिक क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक का एक एक्सटेंशन वर्जन है। मतलब उसमें जो प्रोपोजिशन लॉजिक में नहीं आ पाई चीजें वो प्रेडिकेट लॉजिक में आ गई। तो प्रेडिकेट लॉजिक में प्रोपोजिशन वाली तो सारी कहानी है ही, मतलब वो आपका जो डिसजंक्शन है, कंजंक्शन है, नेगेशन है, इंप्लीकेशन है, बाई डायरेक्शन, वो सब कुछ तो आ ही गया, लेकिन एक्स्ट्रा भी चीजें जो है वो आ रही है। अब एक्स्ट्रा में सबसे पहली चीज आपको क्या आती है, या क्या आपसे ज्यादातर पूछते हैं, ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो, क्या आपसे ज्यादातर चीजें पूछते हैं, वो आता है प्रेडिकेट लॉजिक में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वांटिफायर्स। तो दो तरीके से क्वांटिफायर्स होते हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, और एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब मैं वही लाइन जो पहले लाइन लिखी थी वही लिख रहा हूं कि लेट से एक्स इज स्मॉलर देन 10, तो ये लाइन पहले जो लिखी थी वही लिख सकते हैं, एक्स इज स्मॉलर देन 10, तो लिख दीजिए। अब मैं अगर इसको यूनिवर्सल में शो करना चाहता हूं, तो यूनिवर्सल में चलो बाद में शो करते हैं, लेकिन प्रेडिकेट में इसको कैसे लिखेंगे, कैसे हम डिनोट करते हैं, तो फंक्शन की तरह डिनोट करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पी ऑफ एक्स, इसको मैं इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं प्रेडिकेट में, तो मैं लिख दूंगा px। तो यानी जब भी आप px देखोगे तो आप समझ जाओगे कि px मतलब x इज स्मॉलर देन, मतलब दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन 10, तो आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। यहां पे भी आप लिख सकते हो सेम ही चीज, लेकिन अभी मैं यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल पे आ रहा हूं। तो यहां पे एक सिंपल x इज स्मॉलर देन 10 p ऑफ x लिख दिया मैंने एक फंक्शन से। ऐसे ही आपने लिखा x इज स्मॉलर देन y, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं लेट्स से q x y, तो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि x इज स्मॉलर देन y, तो मैंने उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यूनिवर्सल क्वांटिफायर को यहां पे डिनोट करना है, तो मैंने यहां पे x की वैल्यू लेट्स से मैंने यहां पे ले ली x की वैल्यू 1, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, 1 इज स्मॉलर देन 10, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ट्रू। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 5, तो क्या हो जाएगा ट्रू। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 15, तो क्या हो जाएगा यहां पे फॉल्स। तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू के ऊपर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ये मैं जो अभी आपको बता के हटाऊं। तो यहां पे फॉर ऑल में हम लोग कैसे लिखते हैं, फॉर ऑल x px, इसका मतलब क्या बना, इसको पहले लिखना
आ गया, उसके बाद इसको पढ़ना भी सीखो। मतलब पढ़ने का मतलब क्या है, फॉर ऑल द वैल्यूज, फॉर एवरी वैल्यू, ऑल भी कह सकते हो, फॉर ऑल भी कह सकते हो इसको, या फिर एवरी भी कह सकते हो, मतलब फॉर ऑल या एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, द एक्स इज स्मॉलर देन 10, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इट इज स्मॉलर देन 10। बट यहां पे फिर वही चीज आती है कि x की वैल्यू मेरे को क्या लेनी है, कितनी ले सकता हूं, तो वो चीज एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंड करती है, डोमेन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। डोमेन, डोमेन का मतलब क्या है कि आप क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो, आपके पास क्या सेट दिया हुआ है, एक सेट ऑफ वैल्यूज आपको दी हुई है। जैसे मैं आपको वैल्यूज दे दूं, लेट से 1, 3, 5, 7, तो यहां पर अगर आप 1 भरोगे तो क्या आएगा, पी ओ 1, पी ओ 1 स्मॉलर है, यस, 3 स्मॉलर है, यस, 5 स्मॉलर है, यस, 7 स्मॉलर है, यस। मतलब सारी वैल्यूज के लिए जितनी भी डोमेन के अंदर वैल्यूज दी थी, जितनी भी दी है आपको, मैंने यहां पे 4 दी है आपको, 10, 20, इनफाइनाइट जितनी भी आपको दे रखी है, उन सारी वैल्यूज के लिए क्या ये यस आ रहा है, उन सारी वैल्यूज के अगर ये यस आ रहा है, तो यानी आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स x is smaller than 10, तो यानी इसको आप अब इवेल्युएट करके लिख सकते हो किसके बराबर, ट्रू के बराबर, सिंपल। और अगर मैं, लेट्स सपोज, अगर मैं एक भी वैल्यू, लेट्स से मैं यहां पे 7 की जगह 70 कर दूं, तो 1 स्मॉलर, यस, 3 स्मॉलर, यस, 5 स्मॉलर, यस, 70 स्मॉलर, नो। मतलब एक भी वैल्यू अगर आपको फॉल्स आ गई, तो यानी इस पूरे का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मतलब सारी वैल्यूज के लिए, फॉर एवरी वैल्यू, एक्स जो है वो स्मॉलर देन 10 नहीं है, एक भी गड़बड़ आ गई तो यानी आपका मामला जो है वो फॉल्स आ जाएगा। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है फॉर ऑल एक्स, एक्स जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी में हम एग्जिस्टेंशियल को देखें, एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है, मतलब फॉर सम वैल्यूज, फॉर सम वैल्यूज, फॉर एनी वैल्यू भी आप इसको बोल सकते हो। मतलब इसी चीज को अगर मैं x इज स्मॉलर देन 10, इसी को मैं यहां पे शो कर रहा हूं, x इज स्मॉलर देन 10, लेट से मैंने यहां पे लिख दिया x इज स्मॉलर देन 10 को मैंने q ऑफ x लिख दिया, q ऑफ x, तो q ऑफ x क्या शो कर रहा है, सिंपल x इज स्मॉलर देन 10, तो मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं सेम वही चीज, मैं वैल्यूज डाल के देखता हूं यहां पे, जैसे मैंने यहां पे वैल्यूज ली, मैंने डोमेन ले ली यहां पे, डोमेन मतलब फिर वही कि सेट ऑफ वैल्यूज आपको दे रखी है, लेट से आपको वैल्यूज दे दें यहां पे 1, 3, 5, लेट्स से 15, इस तरीके से आपको वैल्यू दे दो। तो देखो 1 इज स्मॉलर देन 10, ट्रू, 1 इज स्मॉलर देन 10, क्या हो गया यहां पे, ट्रू। दूसरी वैल्यू 3 इज स्मॉलर देन 10, ट्रू। 5 इज स्मॉलर देन 10, क्या हो जाएगा, ट्रू। 15 इज स्मॉलर देन 10, क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ओवरऑल अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरीके से, x इज स्मॉलर देन, क्या था मेरा, x इज स्मॉलर देन 10, देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंशियल है ना, तो देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू x व्हिच इज स्मॉलर देन 10, देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज x व्हिच इज स्मॉलर देन 10, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x व्हिच इज स्मॉलर देन। आप किसी भी तरीके से ये सारे पॉइंट्स लिखते जाना, ऐसे अगर आप वर्बली सुनोगे तो अभी समझ आ जाएगा लेकिन बाद में फिर भूल जाओगे, तो इसीलिए इसको नोट करके लिखना ये सारी लाइंस को। तो देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज ऑफ x व्हिच इज स्मॉलर देन, देयर एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ x व्हिच इज स्मॉलर, एटलीस्ट 1 वैल्यू व्हिच इज स्मॉलर, तो आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। तो देखो यहां पे एक भी ट्रू आ गया, वैसे तो यहां पे मल्टीपल ट्रू आ गए, लेकिन अगर एक भी ट्रू आ जाता तो आप इसको क्या कह सकते हो, ओवरऑल ये क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, मतलब एक भी ट्रू आ जाता, बट यहां पे तो बहुत सारे ट्रू आ गए। मतलब लेट्स से अगर मैं वैल्यूज, हमारी डोमेन की वैल्यूज ले लेता हूं, लेट्स से 5, 15, 25, 35, तो अब देखो 5 इज स्मॉलर देन 10, क्या हो गया जी यहां पे, ट्रू। तो यहां पे एक तरह से हमारा और फंक्शन जो है वो यूज होता है, यहां पे एक तरह से हमारा और डिसजंक्शन जो है वो यूज होता है, 15 इज स्मॉलर देन 10, क्या हो जाएगा, फॉल्स, और 25 स्मॉलर, फॉल्स, और 35 स्मॉलर, फॉल्स। लेकिन आपको पता है डिसजंक्शन के केस में, और के केस में अगर एक भी ट्रू आ जाता है तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाता है, आपका ट्रू हो जाता है। तो यहां पे फॉल्स कब आएगा, जब एक भी वैल्यू, मतलब ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन यहां पे एक तरह से कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, एक तरह से आप कह सकते हो 1 इज स्मॉलर देन 10, क्या हो गया जी आपका, ट्रू। तो यहां पे कंजंक्शन यूज हो रहा है, एंड 3 जो है वो क्या है, ट्रू,
5 स्मॉलर है, yes, तो क्या हो गया जी, true, and लगाते जाओ, 70 स्मॉलर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, false, और आपको पता है, and के केस में अगर एक भी false हो जाता है, तो overall answer क्या हो जाता है, आपका false, मतलब आप इसको technically अगर आप open करके देखना चाहते हो, इस तरीके से भी open कर सकते हो, otherwise आप direct जो है, वो इस तरीके से भी इसको denote कर सकते हो, तो universal quantifier, existential quantifier को अच्छे से note कर लो, later video में हम लोग इसके बारे में जो है, वो further कैसे questions आते हैं, क्या उनके बीच में relationship है, वो discuss करेंगे, thank you.